आई एम अनुभूति मिश्रा एंड वेलकम बैक टू स्वास्थिका इन्वेस्ट स्मार्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अडानी विलमार के आईपीओ के बारे में। ये एक एफएमसीजी फूड कंपनी है जो कि एक जॉइंट वेंचर है अडानी ग्रुप और विलमार ग्रुप का। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी मोस्टली इंडियन कंज्यूमर के लिए किचन कमोडिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे एडिबल ऑयल, आटा, दाल, चावल, शक्कर आदि। इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्री एसेंशियल्स भी प्रोवाइड करती है, लाइक ऑलियोकेमिकल्स एंड कैस्टर ऑयल। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 3 कैटेगरीज हैं, एडिबल ऑयल, पैकेज फूड एंड एफएमसीजी और इंडस्ट्री एसेंशियल्स। फॉर्च्यून, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड है, वो इसी का एक फ्लैगशिप ब्रांड है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज अ मार्केट लीडर इन एडिबल ऑयल ब्रांड विद इट्स पैन इंडिया प्रेजेंस। साथ ही इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है और रॉ मटेरियल सोर्सिंग में भी कंपनी पूरी तरह सक्षम है। वहीं यदि हम रिस्क की बात करें तो रिवेन्यू के लिए ये मुख्य रूप से एडिबल ऑयल सेगमेंट पर ही डिपेंड है, जहां मार्जिन थोड़ा कम रहता है। और फूड इंडस्ट्री में कमोडिटी के प्राइस फ्लक्चुएशन से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। आईपीओ की बेसिक डिटेल्स पर आए तो ये आईपीओ 27 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए ओपन होने वाला है। आईपीओ का टोटल साइज 3600 करोड़ है, जो पूरी तरह एक फ्रेश इश्यू है। इसका प्राइस बैंड 218 रुपए से 230 रुपए रहेगा और इसकी लिस्टिंग 8 फरवरी को होगी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फंडिंग ऑफ कैपेक्स, रिपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, फंडिंग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो कंपनी के रेवेन्यू में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जहां रेवेन्यू FY 2020 में 29,766 करोड़ से बढ़कर FY 2021 में 37,195 करोड़ हुए। और साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी FY 2020 में 460 करोड़ से बढ़कर FY 2021 में 727 करोड़ रजिस्टर हुआ। इवन सितंबर 2021 के पीरियड तक भी कंपनी ने फाइनेंशियली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनली यदि हम कंपनी के आउटलुक की बात करें तो एज आई सेड, कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही मार्केट में भी कंपनी एक वेल नोन एंड एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। आईपीओ की वैल्यूएशन पर नजर डाली जाए तो ये आईपीओ 36 के पीई पर आ रहा है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम्स है ऑन ए एनएवी ऑफ 28.86, जो कि इसके लिस्टेड पीयर्स से कम है। इसलिए इस आईपीओ को हम सब्सक्राइब की रेटिंग देंगे, तो आप इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वास्थिका के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।